बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादलों के बिजुरिया नाचे। क्यों दोस्तों, यह गाना सुनने के बाद आपको कुछ याद आया कि नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं। यह गाना साल 2001 में आई फिल्म जोड़ी नंबर 1 का है, जिसमें एक्टर गोविंदा ने पूरा धमाका मचा दिया था, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए फिल्म डायरेक्टर एक बार फिर इस फिल्म को बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, हमें जल्द ही एक बार फिर फिल्म जोड़ी नंबर 1 बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के स्टार कास्ट के साथ साथ फिल्म की कहानी क्या होगी और साथ ही रिलीज डेट भी बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंदा ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में अपने फैंस को सबसे ज्यादा हंसाया और रुलाया भी है, और इसीलिए ही इनकी तारीफ करते हुए लोग भी नहीं थकते। वहीं फिल्म जोड़ी नंबर 1 में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बता दें कि इस शानदार फिल्म को इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने साल 2001 में बड़े पर्दे पर रिलीज किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। डायरेक्टर डेविड धवन ने ऐसी ही कई और सारी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक स्थानीय भाई के साथ मुठभेड़ के बाद बॉम्बे से भागना पड़ता है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ विवाद करते हैं और वे गलती से उसे एक नाइट क्लब में मार देते हैं, और इनकी ज्यादातर फिल्में सुपर हिट ही साबित होती हैं। वेल, बात करें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म में गोविंदा वीरू का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। वह इनके साथ संजय दत्त जय के रूप में एक अच्छे दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, और इस फिल्म की कहानी थी जय और वीरू एक दूसरे के जिगरी दोस्त होते हैं, जो कि पहले लोगों का विश्वास हासिल करते हैं और बाद में उन्हें जीत दिलाते हैं। बस यही थी इस फिल्म की कहानी। साथ ही इस फिल्म में काफी कॉमेडी और रोमांटिक सीन भी देखने को मिले थे, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। वहीं गोविंदा और संजय दत्त के अलावा इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना, अनुपम खेर, मोनिका बेदी, शक्ति कपूर, अजीत बचानी और आशीष विद्यार्थी जैसे कई और टैलेंटेड कलाकार भी नजर आए थे, जिन्होंने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाकर लोगों को खूब एंटरटेन किया था, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई की थी। वह इस फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन एक बार फिर इस फिल्म की तैयारी में लगे हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फिल्म जोड़ी नंबर 1 एक बार फिर बहुत जल्द ही बड़े पर्दे पर प्रसारित होने वाली है, जिसका लोग अभी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब इस फिल्म की कहानी पर काम भी शुरू हो चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि यह फिल्म इस बार काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होने वाली है, जिसमें हमें एक्शन, कॉमेडी और रोमांस के साथ साथ इमोशन का भी डबल डोज देखने को मिलेगा। वहीं इस फिल्म में स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इस बार गोविंदा नहीं बल्कि इंडस्ट्री में मिमोन नाम से मशहूर एक्टर मां अक्षय चक्रवर्ती नजर आने वाले हैं। बता दें कि अभिनेता इससे पहले भी कई शानदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं इन्हीं के जिगरी यार के रूप में इन्हीं के टैलेंटेड भाई नवासी चक्रवर्ती भी नजर आने वाले हैं। फिल्म बैड बॉय में भी बहुत धमाका मचाने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में विलन होंगे द मोस्ट पॉपुलर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब बस यही देखना बाकी रह गया है कि इस फिल्म में बाप बेटों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। पर हमें इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इनमें से किसी भी कलाकार ने फिल्म जोड़ी नंबर 1 में काम करने के लिए अपनी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है और ना ही फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तभी से ही दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वेल, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ उनके दोनों बेटों को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और न्यू अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।